नमस्कार, नमस्कार। मैं श्रवण सीएलसी सीकर से, मेरे साथ मेरी आईटी फिजिक्स की सीनियर फैकल्टी भागवत सर है। आप जालौर से हैं? हाँ, और जालौर का एक रिजल्ट हमेशा सीएलसी ने बहुत अच्छा दिया, वो चाहे भरत जांगिड़ का हो, चाहे आज अपने कृष्णपाल का हो जो नीट में 700 प्लस ले रहा है। तो भागवत सर का एक भावनात्मक प्रेशर था कि हमारे जालौर भी चलो, आप सब जो लाइव करके आते हो, बच्चों का प्रेशर भी था, भागवत सर का प्रेशर भी था। आप कब से हो सीएलसी में? मैं 10 साल से। 10 साल से सीएलसी में, कहा कि साहब मैंने 10 साल एक दशक दे दिया, आप मेरे यहाँ भी चलो। तो निश्चित बात है दोस्तों, हमारा परिवार है, तो मैं और भागवत सर दोनों 30 और 31 मई को 2 दिन आपके जालौर संभाग में या जालौर जिला या उस बेल्ट में हम लोग आ रहे हैं। भागवत सर आप बताएं पूरा एड्रेस। 30 तारीख को जा रहे हैं बावड़ला, जो कि सांचौर से 9 किलोमीटर दूर है, सांचौर तहसील में आता है, बावड़ला गाँव है। वहाँ एक किसी सिलेक्टेड बच्चे घर हम लाइव करते हैं। ये लाइव हमारा किसी मैरिज गार्डन नहीं होता है, हम किसी बच्चे घर जाते हैं जो बच्चा सीएलसी में 2024 में नीट का अच्छा स्कोर बना रहा है, जेई का अच्छा स्कोर बना रहा है। 30 को बावड़ा में है, जो सांचौर के पास है, वो तो लोकल वहाँ के सब साथी नाम से पहचान जाएंगे। रानीवाड़ा के, चितलवाना के लोग हैं, वो आराम से वहाँ आराम से पहुंच सकते हैं। 31 तारीख को फिर कहाँ रहेंगे? 31 तारीख को रहेंगे कोमता गाँव में, जो की बिनमाल के पास में पड़ता है, सैला तहसील में। सैला तहसील पड़ता है, बिनमाल से सीधी कनेक्टिविटी है वहाँ से। तो अपन ये कहना चाहते हैं कि 30 को अपना बावड़ला है, हाँ, शाम 6 बजे, हाँ, और वो गांव है तो वहां कहां प्रोग्राम होगा आइडिया आपको हो जाएगा। 31 तारीख को कोमता है, जो सायला के पास पड़ता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग वहां आ रहे हैं, मैं हूं, भागवत सर है, तो एक हमारे उस क्षेत्र में सिलेक्टेड बच्चे, जो बच्चे अब तक पढ़ चुके, उन सब के गार्जियन बच्चे सब साधारण आमंत्रित है। इसके अलावा वहाँ जो भी संस्था प्रधान साथी हैं, जो भी शिक्षा की महत्ता को जानते हैं, जो ये मानते हैं कि शिक्षा से बड़ी दुनिया में कोई पावर नहीं होती है, वो सब लोग आए, शिक्षा चौपाल होगी, शिक्षा की बात होगी, और उन सब बच्चों को आप सुन पाएंगे जो आज से पहले सिलेक्ट हुए हैं या इस बार चॉइस में सिलेक्ट हो रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि मारवाड़ बेल्ट का रिजल्ट पिछले 3-4 साल से बहुत बढ़िया आ रहा है। उनका भूपेंद्र चोपड़ा था, वो मारवाड़ बेल्ट का बच्चा ही है जो एम्स दिल्ली में गया। उसका आशीष गहलोत जो एम्स दिल्ली गया, वो जोधपुर का था, उसको पूरे को मारवाड़ बेल्ट कह सकते हैं। और इस बार भी बारोड बेल्ट का रिजल्ट अपना बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत अच्छा हो रहा है। बात का सार दोस्तों ये है कि 30 मई 31 मई 2 दिन हम मारवाड़ बेल्ट में रहेंगे। 30 को बावड़ला सांचौर, 31 को कोमता सायला, ये एड्रेस आप देख सकते हैं। और ये आपको और कोई क्यूरी हो तो ये नंबर मैं दे रहा हूं, ये नंबर है, इस नंबर पर आप दोस्तों संपर्क भी कर सकते हैं। आना चाहिए, बैठ के बात करेंगे, सपने देखेंगे और मिलकर पूरे करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।